24 अक्टूबर से खुल रहा उदयपुर का राष्ट्रीय तीर्थ महाराणा प्रताप गौरव केंद्र। उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र आगामी 24 अक्टूबर से पुनः पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। इस संदर्भ में आज प्रताप गौरव केंद्र में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति उदयपुर के अध्यक्ष एवं महापौर श्री गोविंद सिंह टाक ने एवं समिति के महामंत्री श्री परमेंद्र दशोरा ने संबोधित किया। गत 24 मार्च से कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन पश्चात प्रताप गौरव केंद्र 24 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए पुनः खुला जा रहा है। अधिकाधिक पर्यटक यहां दर्शन कर सके, इसलिए प्रारंभ के 10 दिन टिकट दर में छूट दी गई है। दिनांक 24 से 26 अक्टूबर तक ₹50 प्रति व्यक्ति टिकट रहेगा। दिनांक 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ₹100 प्रति व्यक्ति टिकट रहेगा। वर्तमान समय में कोरोना की महामारी के चलते दर्शन व्यवस्था में भी विशेष परिवर्तन किया गया है। छोटे समूह में पर्यटकों को प्रताप गौरव केंद्र दिखाने की व्यवस्था रहेगी। हर समूह के साथ एक गाइड साथ में रहेगा। प्रताप गौरव केंद्र के परिसर को दिन में 3-4 बार सोडियम हाइपोक्लोराइट तथा सैनिटाइजर से कोरोना संक्रमण मुक्त किया जाएगा। परिसर में जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के प्रयोग को इंगित करते हुए सावधानी के संकेतक बोर्ड लगाए गए हैं। पत्रकार वार्ता में प्रताप गौरव केंद्र के निदेशक श्री अनुराग सक्सेना भी उपस्थित थे। संचालन मनीष मेघवाल ने किया। कोरोना संक्रमण के कारण से प्रताप गौरव केंद्र की गतिविधियां जो बंद की गई थी, वह अब अनलॉक 1, 2, 3, 4 इसके पश्चात पुनः प्रारंभ करने की योजना है। हम परसों 24 तारीख से इसको खोल रहे हैं। प्रारंभिक स्तर पर जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने बतलाया है, 3 दिन तक ₹50 के मात्र नॉमिनल नाम मात्र के शुल्क पे ऊपर, प्रवेश शुल्क के ऊपर, प्रवेश राशि के ऊपर हम पर्यटकों को, दर्शकों को अलाउ करेंगे। उसके पश्चात हम 2 तारीख तक ₹100 प्रवेश राशि के ऊपर रखेंगे। यह प्रवेश राशि टिकट नहीं है, यह सहयोग राशि है, क्योंकि इसको मेंटेन करना पड़ता है हमें। और उसके बाद में 2 तारीख यानी 3 नवंबर के उपरांत जो सामान्य शुल्क हम लेते आए थे, सामान्य सहयोग राशि लेते आए थे, वो हम चार्ज करेंगे, जिसमें हम सैनिकों को कंसेशन देते हैं, जिसके अंदर हम बच्चों को कंसेशन देते हैं, विद्यार्थियों को कंसेशन देते हैं, वह सब लागू करते हुए ₹150 प्रति व्यक्ति यहाँ पर सहयोग राशि लेकर के प्रताप गौरव केंद्र का विजिट कर सकेंगे। इसके अंदर हमने जो व्यवस्थाएं निश्चित की है, पहली है कि सैनिटेशन, कल पूरे प्रताप गौरव केंद्र का एक एक कोने से सैनिटेशन कर दिया जाएगा और उसके बाद दिन में 3 बार सैनिटेशन किया जाएगा। इसी के साथ में हर आने वाले दर्शक को हम सैनिटाइजर प्रोवाइड करवाएंगे। वो अपने हाथ ठीक तरह से सैनिटाइज करके अंदर प्रवेश करेंगे, बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा। अगर कोई मास्क के साथ नहीं आया है तो पहले 2 या 3 दिन हम निःशुल्क मास्क उपलब्ध करवाएंगे, जो मास्क आने वाला व्यक्ति अपने साथ लेके जाएगा, क्योंकि मास्क जो हम किसी एक को देंगे वो दूसरे पर रिपीट नहीं करेंगे। और उसके बाद में हम मास्क के भी शुल्क लेंगे, जो मास्क अपने साथ लेके जाएगा उसका हम शुल्क ले लेंगे। प्रवेश के लिए हम पूरे के पूरे समूह को नहीं आने देंगे, 10 व्यक्तियों का एक समूह अधिक से अधिक आएगा, पर 10 व्यक्ति भी एक साथ पास पास में नहीं आएंगे। वे सोशल डिस्टेंसिंग को एंश्योर करते हुए उनको हमारा गाइड साथ जाएगा और वो उनको पूरा भ्रमण करवाएगा। यह व्यवस्था हमने सुनिश्चित की है और मुझे विश्वास है कि इस व्यवस्था के साथ हम कोरोना से भी लड़ पाएंगे और कोरोना के साथ हम कोरोना पर विजय भी प्राप्त करते हुए अपनी सामान्य गतिविधियों को ठीक तरह से संचालित कर पाएंगे। थैंक यू। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे लेक सिटी न्यूज़ के साथ और देखते रहिए लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएँ।